हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जय माता दी। तो मैं ठीक नहीं थी एक हफ्ते से, इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसके लिए आई एम सॉरी, बट सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, मुझे भी नहीं पता कैसे हो गई कैसे नहीं होगी। वैसे मैं कभी इतना बीमार होती नहीं हूँ और कभी मुझे फीवर भी नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब मैं नहीं होती ऐसे बीमार, पर पता नहीं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ अब। तो यहाँ पर देखो, मुझे स्टोन था, मतलब था क्या, अभी भी है फिलहाल, तो दवाई चल रही है। तो स्टोन का पेन हो गया था, मुझे नहीं पता था स्टोन है। मैंने डॉक्टर से चेक वेक करवाया, अभी टेस्ट चले हुए हैं बाकी, तो उसका स्टोन कुछ ज़्यादा ही दर्द कर रहा था, मतलब लेफ्ट किडनी में ऐसा कुछ था। तो उसकी दवाई जो है वो चल रही थी, और जो है फिर उसके बाद मैंने मम्मी जी पापा जी को बताया तो उन्होंने बोला घर आ जाए, तो मैं घर के लिए निकल गई जल्दी से। और उस दिन तूफान भी आया था, ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन तूफान आया था दिल्ली में, बहुत ज़्यादा तेज अभी आया था, 4-5 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे को आया था या सैटरडे को आया था। तो मैं घर गई, मम्मी जी बहुत खुश हो गई भाई। मैं 1.5 महीने के बाद गई थी घर, और उसके बाद देखो मेरे लिए फ्रूट्स में ये तरबूज वगैरह मम्मी जी ने कट कर रखा था, और भी बहुत कुछ चीजें थी, तो मतलब मम्मी जी ने रख रखा था। मुझे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं फ्रूट्स खुश होकर खा लेती हूँ। उसके बाद जो मैं दादी जी से मिली, पापा जी शाम को आने थे, और ये बंदर देखो, मैं ऊपर दादी जी से मिलने गई थी तो ये बंदर बड़ा पोज दे के बैठा था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी ले लेते हैं वीडियो में, चाह रहा होगा ना, तो यहाँ पे मैंने इसे शूट कर लिया और दादी जी से कुछ बातें की। तो आपको जो है ये तो चलो खैर क्लिप्स हैं, कुछ कभी किए कुछ कभी किए, रेगुलर क्लिप्स नहीं है ये। और यूनिवर्सिटी की जो क्लिप्स होंगी उसमें ये होगा कि इलेक्शन के करते बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी हमें आने जाने में, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो जो है सिक्योरिटी वगैरह कम थी हमारी यूनिवर्सिटी वाली, बाहर वाले की जो भी थे इलेक्शन वाले, तो उसमें बहुत परेशानी हो रही थी आने जाने में, तो वहाँ की भी बहुत ही कम क्लिप्स हैं। ये देखो मम्मी जी ने मेरे लिए खाना बनाया, मेरा फेवरेट जो है रायता बना रखा था। मैं मम्मी जी के साथ बहुत कोशिश करती थी जब मैं कॉलेज से आती थी डेली खाना बनाते टाइम, तो मेरे को बहुत याद आई। ऐसे देखो जब तक मम्मी जी का खाना बनता था ना, मैं सबसे पहले खाती थी, मम्मी जी ने मेरी रेडी कर दी यहाँ पे प्लेट। हमेशा से मेरा यही था कि मैं भूख हो ना हो, मैं मम्मी जी बनाने लगती और मैं खाना खाती। ये देखो पापा जी आ गए, पापा जी लेके आए थे जो है ना टैंक होते हैं उनके ढक्कन लेके आए थे, वो बंदर ने तोड़ दिए होंगे, तो ये लगाने थे इन्हें, फिर ये लगाए। और ये देखो मम्मी जी ने मैंगो, और ये रायता मेरा फेवरेट है पूरे का। तो गाँव में खरकोदा भी गाँव ही है एक तरह से, टाउन है तो मतलब ठीक है, प्रॉपर गाँव भी नहीं, टाउन सा। ये पारस ने जो है रबड़ी बना दी, तो हमारा खाना ऐसे ही रहता, बट हमें अच्छा लगता है खाना, देसी खाना बिल्कुल, भैंस का जो भी होता सब कुछ बहुत मस्त लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता बहुत ज़्यादा। तो वो ये देखो मम्मी जी लगा रही थी झाड़ू पोछा कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई भाई। वैसे होना तो चाहिए कि मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पाई। और मम्मी जी ने मेरी कर दी पैकिंग, तो मैं 2 दिन बाद घर से आई, घर पे भी पूरी सेवा पानी करवा के आई, और ऊपर से ये देखो मम्मी पापा कितना करते हैं ना, देखो इतने फ्रूट्स वगैरह मेरे लिए कर दिए रेडी, और इतना सब कुछ वहाँ पे किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी ठीक थी, बट यहाँ पे फिर से मुझे दर्द हुआ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो यहाँ एम्बुलेंस से मैं गई, क्योंकि उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था 6 जून को, तो वैसे ही यहाँ पर सारी ब्लॉकेज थी और मैं से नहीं चला जा रहा था। तो ये तो घर से आ रही थी, तो स्कूटी टायर में पंचर वंचर हो गया था, तो पारस ने लगाई थी ये स्कूटी वगैरह, क्योंकि देखो ये मेरी और एकता की स्कूटी सेम है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ एकता की, एक तरफ मतलब मेरी, एकता मेरी सिस्टर है, तो उसकी और मेरी स्कूटी बिल्कुल सेम है। ये देखो फिर आते टाइम मैंने नारियल पानी पी लिया था, मैं रूम पे आई ना, रूम पे आने के बाद ये सामान वगैरह मैंने निकाल लिया था, तो यहाँ पर ये था। तो अगले दिन मेरा अल्ट्रासाउंड था और ऐसे कुछ, तो मतलब ऐसी सिचुएशन चलती रही, वरना मैं व्लॉग सोच रही थी डालूंगी, लेकिन व्लॉग हो ही नहीं पा रहा था किसी भी तरह, पता नहीं मेरे को ऐसा होता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है क्या नहीं है। फिर मुझे वायरल हो गया जुकाम खांसी, तो मतलब उसमें मेरे को सर में दर्द भी चढ़ता गया जुकाम की वजह से। देखो आई थी जिस दिन मैं रूम पे घर से, मैं ठीक ठाक थी, मैं आके नहाई, सर धोया मैंने, और उसके बाद मैंने देखो प्रेस की, प्रेस में मैंने पूरे 2 घंटे लगाए, सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैंने कहा चलो मतलब पढ़ाई नहीं होगी थोड़ा सा, क्योंकि एक दिन आप बीमारी से उठते हो ना एकदम दिमाग पे जोर सा पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। मैंने सारे कपड़े अपने प्रेस कर लिए थे, मतलब मैं पूरा ठीक थी, लेकिन पता नहीं फिर से सुबह उठी तो सुबह फिर से दर्द हुआ, और फिर मेरे को मतलब जाना पड़ा टेस्ट के लिए, फिर मैं चली गई थी। बाकी जो भी था मतलब ऐसे ही चलता रहा, मैंने कोशिश तो बहुत की, मतलब खाना पीना भी बढ़िया था, लेकिन होना ही हो जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। वैसे मैं बहुत ठीक हूँ, फिट भी हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है, मेरे साथ कभी नहीं होता ऐसा, लेकिन हो जाता होगा। चलो जो भी है, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है भाई हर चीज का कुछ भी। तो यहाँ पर देखो ये सब कुछ फ्रूट्स, तो मेरी मौज हो रही थी भाई, घर से इतने फ्रूट लेके आई थी मैंने, 2-3 दिन खूब भर भर के खाए। फिर सुबह मैंने ब्लिंकिट से छोटा मोटा सामान था वो मंगवा लिया था, और चॉकलेट में 5 स्टार, या आजकल मैं 5 स्टार की बड़ी दीवानी हो रही, खाना खाते ही मुझे चाहिए,
ये 5 रुपीज़ वाली कैंडी होती है इसमें, लेकिन अब मेरे दांत ख़राब हो जाएंगे, अब मैं नहीं खाऊंगी, अब मैं हर एक चीज़ को वापस से लेवल में कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फॉइल मंगाई थी और ये खीरे मंगा लिए थे, क्योंकि सैंडविच बना लेती हूँ मैं जनरली। फिर मैं ये देखो निकल गई कॉलेज के लिए नेक्स्ट डे, और कॉलेज में ये देखो स्कूटियों की पार्किंग, वाह मेरी स्कूटी कैसे खड़ी है, मेरे से तो निकली नहीं है, निकाली आरती ने, देखो वो कैसे निकाल रही है। आरती भी हमारे किसी लड़के से कम नहीं है, मान गया आरती, एक मिनट में निकाल दी, मेरे से नहीं निकलती है। वैसे भी मेरे को तो दर्द था, ये मुझे लेके जा रही थी ना डॉक्टर के पास, क्योंकि 2-3 दिन तो देखो वैसे डॉक्टर के पास गई, इसी ने वीडियो बना रखी है जैसी तैसी भी, देखो मैं कैसी हो रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था ना वीडियो बनने, बिल्कुल ऐसी हो रही हूँ जैसे मरने वाली, इतना दर्द होता ना, मतलब वो दर्द सहन ही नहीं हो रहा मेरे से। डॉक्टर सारा सब कुछ पूछता भाई कैसे क्या है, कब से दर्द है कब से नहीं, तो सारा ही सब कुछ, ये दवाई चलती रही, दवाइयों का नशा सा रहता है ये थोड़ा सा, तो ऐसे ही चलता रहा। आपको कोई क्लिप मेरी मतलब किसी दिन की मिलेंगी, कोई किसी दिन की मिलेंगी, फिर उसके बाद दोबारा से फिर मतलब जो है आगे मैं अल्ट्रासाउंड के लिए भेजी थी, ये मुझे मोर दिख गया था, तो ये तो मुझे मतलब मेरा फेवरेट मोर है ये ये पीकॉक बिल्कुल है ना, मैं ऊपर से दिखता है, ये घूमता ही रहता है, ये ना पता नहीं कभी डांस करता हुआ नहीं दिखा। फिर देखो शाम को मैंने हिम्मत करके पढ़ाई भी की है, मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट, ऐसी बात नहीं, मैंने क्लासेस अपनी सारी कंप्लीट की, अब तक की जो भी मेरे बैकलॉग से सारे क्लियर कर लिए मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई क्लास ना ली हो, क्लास वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। लेकिन क्लास का क्या था, कभी तो मैं चेयर पे बैठ के ले लेती, मतलब इस पे स्टडी टेबल पे, कभी मैं क्या था जो है बेड पे बैठ के ले लेती, तो बार बार ना मतलब कैमरा या मेरा फोन टच करने का ही दिल नहीं कर रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही कर करके मैंने अपनी क्लासेस तो पूरी कर ली है। देखो एम्बुलेंस में मैं गई नेक्स्ट डे, ये रिपोर्ट वगैरह इन्होंने जो भी होता है, तो सेक्टर 8 जाना पड़ा मुझे उसके लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए 4K करवाना था, वो भी सिंपल नहीं था, ये बेस्ट डायग्नोस्टिक करके था, तो यहाँ से करवाया। फिर एक टेस्ट अगले दिन था मेरा, उसका ब्लड सैंपल दे के आई, वो तो मैंने बनाई नहीं वीडियो, मेरा कोई ब्लड ले मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को दर्द होता है, तो उन्होंने बोला आप देखो ही मत, तो मैं अकेली थी क्योंकि कोई था ही नहीं, फिर मैंने आरती को बुलाया नहीं, वैसे आरती ने यहाँ बोल रहे थे कि जाना हो तो कहीं, लेकिन फिर मैं जाने की कैपेबल थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं चली गई। तो वो टेस्ट हुआ मेरा नेक्स्ट डे, और अभी एक टेस्ट और होगा, वो होगा 5-10 दिन बाद, होगा भी नहीं 10 दिन बाद होगा राउंड, तो वो टेस्ट और होगा बस लास्ट। वैसे सब कुछ नॉर्मल है, कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन ये जो है ना किडनी का स्टोन है भाई, लेफ्ट किडनी के आसपास है तो छोटा ही, लेकिन कई बार कहते हैं कि जो बीज वाली चीज़ें होती है, कुछ भी जैसे हम बाहर हैं कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है कि हमारा मतलब दर्द हो जाता है उसमें ज़्यादा। ये देखो मेरा उस दिन फिर आने के बाद मन किया छोले भटूरे खाने, छोले भटूरे नहीं, ये बहुत टाइम से नहीं खाए भाई मैंने, सच में नहीं खाए, ये क्या थे छोले कुलचे। और फिर मैं जाने लगी यूनिवर्सिटी घूमने के लिए, तो ये देखो एक हमें कबूतर नहीं है ये कुछ और है, तो इसके ना विंग्स अच्छे से उड़ नहीं पा रहा था, गर्मी में बैठा था, तो इसको हमने थोड़ा सा पानी वानी करके और इसको थोड़ा सा उनके केयर टेकर के पास रख दिया था, उन्हें दे दिया था। फिर मैंने तब ये कल की क्लिप्स है, तो कल देखो सबसे पहले मैंने अपने हेयर वॉश करके और मैंने लैब में जा सुखाए थे क्योंकि सुबह सूखते नहीं, और ये देखो दोपहर को हमने बढ़िया खाना खाया, ये मैंने मेरी फेवरेट ड्रिंक ली मोजिटो, मुझे पसंद है, और ये आपके मोहित ने लिया शेक, क्योंकि तो मैम का बर्थडे था उसको, वैसे तो हमने खाना खा लिया, तो ये हमारा फेवरेट मतलब मेरा तो ये वाला है, ये मोजिटो शेक जो होता है, शेक में ड्रिंक होती है जनरली, आप हो सकते हैं टाइप भी हो सकती है सिंपली। उसके बाद मैंने देखो अपने तीनों पेन खरीदे, क्योंकि ऐसे ही कर रही थी रूम पे काम, वो भी नहीं पता वो पेन कहाँ गए, मेरे 3 पेन फेवरेट रहते हैं और हमेशा रहते हैं भाई, ब्लैक और राइट, ब्लैक और ब्लू तो मैं रखती हूँ राइटोमीटर का, लैब का सीन है, और रेड राइटोमीटर का मिलता नहीं, तो ये देखो आज की लैब में खुशी की बात भाई, आज बहुत अच्छी बात है कि जो मतलब ये दो लड़कियां हैं इनको मैं असिस्ट कर रही थी, मतलब डेजर्टेशन होती है एमएससी में प्रोजेक्ट, इन दोनों का पेपर आ गया भाई, बहुत ही खुशी हुई, तो इस खुशी में मैंने इनको दी पार्टी। ये देखो ये जा रहे थे तो हमने मंगवाया पिज्जा और यहाँ पर हमने की पार्टी की तैयारी, तो ये थी वैसे मेरा फास्ट था तो मैंने वाटरमेलन लेके गई थी, मैं पार्टी में ऐसी बात नहीं, मैं पार्टी में एंजॉय जरूर करूंगी, तो ये देखो 2 पिज्जा मंगवाए थे हमने और मंगवाई थी कोल्ड ड्रिंक, तो हमने कहा आज करेंगे पार्टी क्योंकि ऐसे किसी को थोड़ी फेयरवेल वो करेंगे, तो भाई बहुत ही अच्छे से रहा, ये मेरा देखो ये मेरा फेवरेट वाटरमेलन। और यहाँ पर फिर शाम को देखो अब कंप्यूटर बीमार हो गया, अब मैं बीमार हुई थी अब कंप्यूटर बीमार हो गया, तो कंप्यूटर को ठीक करवाया, देखो पूरा जुगाड़ पानी लगा के इसे 2 घंटे में ठीक करके गए हैं भैया, पता नहीं कुछ विंडो वगैरह करप्ट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने देखो शाम को आके अपने की पढ़ाई, तो ऐसा है भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, जैसे सिचुएशन थी आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि बहुत सी मेरी भी फ्रेंड्स बन गई हैं यूट्यूब पे जो पूछते भी हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक रहूँ,
मतलब पढ़ाई के टाइम पे मैं क्लासेस जरूर ले सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता ना कि भाई मतलब अब कंटिन्यूटी में बना रही हूँ, लोग भी तो अच्छा लगता है, आप लोगों से जुड़ना भी। बाकी ट्राई करती हूँ, कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा अभी कुछ भी, इतना माइंड आज काम भी नहीं कर रहा है भाई प्रॉपरली, तो सच बताऊं, क्योंकि दवाई चल रही है। तो जैसा भी है, क्लास तो मैंने ले ली है, आज एक ही क्लास थी मेरी केमिस्ट्री की, क्वेश्चन से करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर बस बायो का सिलेबस रहता है। तो ट्राई करती हूँ रिवीजन का, जो है मेरा देखो टारगेट रहता है टाइम टेबल बना के किसी चीज को करने का, तो मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग करूंगी, तो जैसा भी होगा। बाकी आपको दिखाती हूँ कल व्लॉग, अगर हो सका तो आएगा, नहीं तो परसों तो आएगा ही, फिर 2 दिन में तो जरूर डालूंगी, ठीक है? तो जैसा भी मुझसे होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोई वो नहीं होगी, हमारी तैयारी बढ़िया तरह चलती रहेगी। देखो मैं अपनी तैयारी तो करती हूँ, मैंने आपको बोला बेशक मैं बीमार हूँ, व्लॉग ना आया हो, लेकिन मेरी तैयारी हो जाती है, मैं बाद में कर लेती हूँ, क्लासेस कर लेती हूँ मतलब। तो ये देखो टाइम हो गया 10:30 के अराउंड, तो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।